अस्सलाम वालेकुम, आई एम हैदर अली बिजारानी। आज मैं रिव्यू देना चाहता हूँ बुक द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान अ स्टडी इन नेशनलिज्म बाय सर के अजीज़ के चैप्टर 4 द रिलीजियस फैक्टर। अब यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर में सर के अजीज़ ने बड़ा ही डीप में ये डिफाइन किया है कि हम रिलीजन को कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं रख सकते। अब रिलीजन ही बेसिक है नेशनलिज्म के ग्रो होने का। अगर यहाँ पे पेज नंबर 97 में सर के अजीज़ ने डिफाइन किया है कि वो ऑर्थोडॉक्स चर्च ही था जिसने ग्रीक को सेव किया ड्यूरिंग द मिडिल एजेस, तो हम कह सकते हैं कि रिलीजन ही नेशनलिज्म का रीज़न बनी है। और रोमन कैथोलिक चर्च प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द स्पेनिश सिविल वार। और उसके अलावा अगर इटली में मेजोलिनी को सपोर्ट नहीं किया जाता रिलीजन के बेसिस पे, शायद आज मेजोलिनी का नाम हम नहीं पढ़ते। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि रिलीजन ही नेशनलिज्म को, रिलीजन ने ही ग्रो करवाया है। अब यहाँ पे पेज नंबर 99 पर जो हेडिंग है वो है हिंदुइज्म एंड इंडियन नेशनलिज्म। अब जो इंडियन नेशनलिज्म, जो हिंदू कम्युनिटी की जो नेशनलिज्म ग्रो हुई वो उनके हिंदुइज्म के ऊपर ही, मतलब कि उनके रिलीजन के ऊपर ही हुई ग्रो हुई, जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदू कम्युनिटी के लोग वहाँ पे हिंदू राज चाहते थे, इंडियन का राज नहीं। और उसके अलावा ये भी आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस कंटिन्यू जो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल करती थी वो करती थी स्वराज, मतलब के सेल्फ गवर्नमेंट। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंडियन नेशनलिज्म थी वो जो हिंदू हिंदू कम्युनिटी के जो लोग जो उनकी जो नेशनलिज्म थी वो कंप्लीट हिंदुइज्म की नेशनलिज्म थी, वो इंडिया के लोगों की नेशनलिज्म नहीं थी, वो पूरे इंडिया की नहीं थी मगर उनकी कम्युनिटी की नेशनलिज्म थी। और यही वो पॉइंट था जिसकी वजह से कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने प्रमोट या सपोर्ट नहीं किया था। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ कि सुभाष चंद्र बोस ने, यहाँ पे पेज नंबर 100 पे सर के अजीज ने लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कुछ राइटिंग लिखी जिसका नाम था कि माय मिशंस ऑफ लाइफ कलकत्ता 1953। अब इनमें कुछ कलेक्शन थी राइटिंग्स की जो 1921 से लेकर 1929 तक लिखी गई थी। उसमें सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ हिंदू वर्ड इस्तेमाल किया था, हिंदू कम्युनिटी, हिंदू फ्रीडम स्ट्रगल, हिंदू वर्ड को ज़्यादा इस्तेमाल किया था, मतलब कि उनकी जो नेशनलिज्म थी वो इस हिंदुइज्म पे थी। और उसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि जो नन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी ने स्टार्ट की थी, नन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए गांधी जो ज़्यादातर जो वर्ड इस्तेमाल करता था वो करता था सत्याग्रह, मतलब कि नन कोऑपरेशन नहीं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंडिया की हिंदू कम्युनिटी की जो वो नेशनलिज्म थी वो पूरी इंडिया के लिए नहीं थी मगर उनके लिए थी। और उसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि जो जिस बातों की वजह से गांधी को हम कह सकते हैं कि वो एक ऑर्थोडॉक्स था, उसका रीज़न ये भी है कि उन्होंने काउ प्रोटेक्शन सोसाइटी बनी जब उनको सपोर्ट किया। उसके अलावा जब वंदे मातरम जो एक एंटी मुस्लिम सॉन्ग था जब वो मतलब के चलाया जाता था तो गांधी उसको भी सपोर्ट करता था। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि भाई कोई ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी रिलीजन के खिलाफ हो अगर आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि आप में सेक्युलरिटी नहीं। और यही पॉइंट था जिसकी वजह से गांधी को बहुत से लोग छोड़ गए और बहुत सी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग या मुस्लिम पार्टीज ने गांधी के आइडिया को प्रमोट करने की कोशिश नहीं की। अब यहाँ पे मैं आपको और बातें बता दूँ, यहाँ पे एक पेज नंबर 103 पे है हिंदुइज्म इस्लाम एंड नेशनलिज्म। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बता दिया कि हिंदुइज्म ने अपनी जो सियासत की वो अपने रिलीजन पे की, मगर जो इस्लाम पे अगर हम आ जाएं तो वहाँ पे जो उस वक्त हज़रत मौदूदी थे उनकी जो राइटिंग्स थी उनकी राइटिंग ने नेशनलिज्म को प्रमोट होने से रोका। यहाँ पे सर के अजीज़ ने पेज नंबर 105 पे बड़ा डीप में क्लियर किया है कि उन्होंने कहा, मतलब कि मुसलमानों के ऑर्थोडॉक्स ने ये कहा कि भाई जो नेशनलिज्म
या आप जो डिमांड कर रहे हैं कोई और अलहदा स्टेट बने, मतलब ये एक ऐसी चीजें हैं जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ हैं, हम इन्हें प्रमोट नहीं करेंगे। अब ये कुछ रीजंस थे जिसके बुनियाद पर मुसलमानों की नेशनलिज्म इतनी हद तक प्रमोट नहीं हुई, और कायदे आजम मोहम्मद अली जिना के साथ भी इतने ऑर्थोडॉक्स लोग नहीं थे, मुसलमान इतने ऑर्थोडॉक्स मुसलमान नहीं थे। सिर्फ इन बातों की वजह से वो ये नहीं कहते थे कि भाई कोई अलग रियासत बनाई जाए मुसलमानों के लिए, क्योंकि उनका मानना जो था वो पेज नंबर 104 पे सर के अजीज ने क्लियर किया है। अब उनका मानना क्या था? उनका मानना ये था कि जो पूरी दुनिया के जो हम मुसलमान हैं वो एक हैं, मतलब कि इंडिया के मुसलमानों के लिए क्यों एक अलग-अलग मुल्क बनाया जाए जहाँ पे वो जाकर रहें। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू थे जो कहते थे कि भाई पाकिस्तान जो है वो हमारे प्रिंसिपल्स के या इस्लामिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ बात हो रही है जो आप यहाँ पे कर रहे हैं। उसके अलावा इन बातों की वजह से क्या जो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस निकले वो क्या थे? वो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस ये था कि मुसलमानों की जो नेशनलिज्म थी वो इतनी प्रमोट नहीं हुई, या इतनी उन्होंने ग्रो नहीं किया जैसे हिंदू नेशनलिज्म ने ग्रो किया था। अब इन बातों के रीज़न जो हैं वो सबसे पहला जो रीज़न था वो था एजुकेशन। मुसलमान इतने एजुकेट थे नहीं तो उनको मालूम होता, क्योंकि जब 1857 में वार लड़ी गई थी तो उसके बाद मुसलमानों ने खुद को वेस्टर्न एजुकेशन से दूर रखा, और वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों का निज़ाम अडाप्ट करें। उनको ये लग रहा था कि अगर हम ये करेंगे तो ये एक गुनाह कबीरा है हमारे लिए। तो जिस की बात की वजह से उन्होंने एजुकेशन हासिल नहीं की, और उस वक्त की जो भी डेवलपमेंट हुई उन डेवलपमेंट से वो दूर रहे। और उसके अलावा ये था कि उस वक्त उनकी वुमेन को इतना स्टेटस नहीं था, ये भी एक रीजन्स था जिसकी वजह से वो उस वक्त के स्टेटस को के साथ नहीं चल पाए। अब यहाँ पे पेज नंबर 108 पे लिखा गया है खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट को हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया है, और सर के अजीज़ ने इस चैप्टर में भी पेज नंबर 108 पे भी खिलाफत मूवमेंट को बड़ा डीप में डिस्कस किया है। अब खिलाफत मूवमेंट जो हुई, खिलाफत मूवमेंट से पहले ये था कि मुसलमानों की स्टेट्स पे अटैक हुआ। जैसे रशिया ने तुर्किस्तान में अपनी फौजें बढ़ा दी, और उसके अलावा इटली ने लीबिया के ऊपर कंट्रोल कर दिया, ब्रिटिश ने पर्शिया और अफगानिस्तान के अफेयर्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, फ्रांस ने नॉर्थ अफ्रीकन की जो मुस्लिम कंट्रीज थी उन पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया, तो उस वक्त पूरी दुनिया में और स्पेशली इंडिया के मुसलमानों में एक सेंटिमेंट आया। वो क्या था? वो ये था कि उनको लगा कि ये लोग हमें, मतलब कि मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं। जब सेम बात हुई, उन्होंने कहा कि हम ऑटोमन एम्पायर को तोड़ेंगे, मतलब कि तुर्की जो इस वक्त मॉडर्न तुर्की हमारे पास है हम उनको तोड़ेंगे, तो ये सारे मुसलमान मतलब कि एक हो गए। अब अगर हम देखें तो ये जो तहरीक थी ये सुन्नी स्कूल ऑफ थाट की तहरीक थी, मगर शिया स्कूल ऑफ थाट हैव आल्सो जॉइंड दैट मूवमेंट। उनको ये लगा कि ये हम ओवरऑल मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि उस वक्त जो मुसलमानों का जो एम्पायर था वो एक ही बचा था, ऑटोमन एम्पायर, मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया था। उससे पहले जो और मुसलमानों के एम्पायर थे वो ख़त्म हो चुके थे, तो ये एक एम्पायर था जहाँ पे मुसलमान थे, मेजोरिटी में थे। तो उस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों को, स्पेशली इंडिया के मुसलमानों को, ये लगा कि ये मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो एक सेंटीमेंट था, एक नफरत थी जो बड़ी। उसके बाद क्या हुआ कि खिलाफत स्टार्ट हुई, खिलाफत मूवमेंट अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिसमें सब लोग मिल गए, और खिलाफत मूवमेंट को जो ज़्यादा जो प्रमोट करने की कोशिश की वो अली ब्रदर्स थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाई। अब जब खिलाफत मूवमेंट बड़ी एक पावरफुल बन गई, तो उसके बाद उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लॉर्ड्स थे, जो गवर्नर जनरल थे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनको ये लगा कि भाई अब इस खिलाफत मूवमेंट को किस बुनियाद पर रोका जाए। तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, जो उस वक्त एक यहाँ पे वाइसराय था लॉर्ड रीडिंग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा कि भाई आप खिलाफत को ख़त्म कर दें, अगर खिलाफत को आपने ख़त्म नहीं किया तो ये जो मुस्लिम जो हमारे पहले लॉयल थे ये और ज़्यादा हमारे दुश्मन बन जाएंगे। तो जब
उस वक्त 1922 में जो उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, यहाँ पे सर के अजीज ने पेज नंबर 111 पे डिफाइन किया है कि जब उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने उस ऑर्डर्स को पास कर दिया, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई भी नेगोशिएशन इस बात पे नहीं की, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप रिज़ाइन दे दो। तो बहुत से मुसलमान फिर उस बात पे भी उन्हें और ज़्यादा नफरत पड़ी कि भाई कोई एक बंदा अगर हमारे हुकूक के लिए बात कर रहा है, आप उन्हें भी मजबूर कर रहे हैं कि रिज़ाइन दो। मतलब ये एक बड़ी मूवमेंट थी जिसमें पूरी इंडिया के मुसलमान आपस में एक हो गए, और इस खिलाफत मूवमेंट को, खिलाफत स्ट्रगल वाज आल्सो सपोर्टेड बाय द कांग्रेस, बाय द गांधी। तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट कामयाब हो रही थी। उसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि खिलाफत मूवमेंट के कुछ इम्पैक्ट पड़े, वो इम्पैक्ट, सबसे पहला इम्पैक्ट ये था कि आगा खान, सैयद अमीर अली, ये ऐसे दो बंदे थे जो कभी भी एग्रेशन पे बिलीव नहीं करते थे, मगर इन्होंने भी उस वक्त मौलाना मोहम्मद अली के साथ और डॉक्टर एम ए अंसारी के साथ मिलकर काम कर दिया। मतलब के उस वक्त जो एजुकेटेड पर्सन थे और उस वक्त जो एग्रेसर्स मुसलमान थे, वो सब एक ऐसी एक मूवमेंट थी इंडिया में जिनमें सब वो मिल गए, वो सब मिलकर उन्होंने एक काम स्टार्ट कर दिया। और इवन के हिंदू कम्युनिटी के लोग, कांग्रेस के लोग, जिनके आपस में क्लेशेस थे, वो भी इस खिलाफत मूवमेंट में आपस में मिल गए। और उसके अलावा यहाँ पे सर के अजीज़ ने पेज नंबर 118 पर ये डिस्कस किया है द क्रिश्चियन व्यू ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म। अब यहाँ पे एक मज़ेदार पॉइंट सर के अजीज ने ये लिखा है कि उस वक्त जो हुक्मरान थे उनको ये लग रहा था कि अगर हमने यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर दिया तो जो भी इश्यूज हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो 1860 में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो भी स्कूल हैं यहाँ पे उनमें उन्होंने उनमें बाइबल पढ़ाई जाए, मतलब कि कंपल्सरी कर दिया। जब कंपल्सरी हुआ तो उसके बाद तकरीबन 2000+ पटिशंस दाखिल की गई कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब कि कैसे हम बाइबल पढ़ सकते हैं। तो ये एक बातें थी, मतलब कि क्रिश्चियन ये कहते थे कि जो इनके आपस में जो क्लेशेस हैं या जो हमारे साथ ये एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, इनका एक यही हल है या एक यही सॉल्यूशन है कि इनको क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जाए, इनको बाइबल पढ़ाया जाए। तो ये था चैप्टर नंबर 4 जिसमें हमने रिलीजियस फैक्टर को डिस्कस किया, रिलीजियस फैक्टर हिंदुइज्म के और मुसलमानों के रिलीजियस फैक्टर को डिस्कस किया, और लास्ट में हमने क्रिश्चियनिटी के रिलीजियस फैक्टर को भी डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।